So, hello students, welcome back again in full coaching classes. The guy is Mayav Asis, or I think I generally aapko padhane wala hu science, maths or social. Or which subject agar aapko zarurat padega, wo bhi yahan pe hum aapko padhayenge. So, lal, aaj ka jo hamara topic hai, wo topic hai chapter 1 science ka aur class 9 ka ye topic hai. That is matter in our surrounding. काफी आसान सा चैप्टर है और कोशिश करेंगे हम इसको बहुत जल्द से जल्द दो लेक्चर में खत्म करने की. काफी आसान ये हमारा चैप्टर है, ठीक है. इस पर हम डिस्कस करेंगे. गाइस, अपन सबसे पहले बात करते हैं पार्टिकल्स के बारे में, ठीक है. जैसे हम देख सकते हैं कि जब हमारे एटम्स, खूब सारे एटम्स जब मिलते हैं तो बन जाते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स, है ना. और खूब सारे मॉलिक्यूल जब मिलते हैं तो बन जाते हैं हमारे कंपाउंड. ये क्लियर है ना. जैसे एक हाइड्रोजन का एटम है, ये एक और हाइड्रोजन का एटम, एक ये ऑक्सीजन का एटम. जब ये तीनों मिलते हैं आपस में, इनके बीच में जब बॉन्डिंग हो जाती है, तो ये बन जाते हैं H2O, दैट इज कंपाउंड. वाटर इज अ कंपाउंड, ठीक है. ये हाइड्रोजन क्या है, मॉलिक्यूल्स. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, जब ये सारे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो बनते हैं कंपाउंड, ठीक है. So, ये सब चीजें तो हम जानते हैं. एटम्स के क्लास एट में भी हमने ये सब चीजें पढ़ी थी, ठीक है. मेन है हमारा यहाँ पे कि जब एटम्स, छोटे छोटे एटम्स जो मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं. हाइड्रोजन जो है मॉलिक्यूल्स है, उसकी भी और भी एटम्स हैं, वो सब आर एटम्स मिलकर हाइड्रोजन बने हैं. और खूब सारे हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर बनता है वाटर. तो जो हाइड्रोजन है वो मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, जब ये मिलते हैं बनते हैं H2O. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो H2O, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड. अगर हम एटम से और नीचे चले, इससे छोटा क्या होता है, एटम से और छोटा होता है हमारा क्या क्या, इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, प्रोटोन हो गया, दैट इज प्रोटोन हो गया, और न्यूट्रॉन हो गया. इलेक्ट्रॉन गाइस, इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होती है वो निगेटिव होता है, प्रोटोन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो हमारा न्यूट्रॉन है वो दैट इज कॉल्ड जीरो चार्ज, ठीक है. ये हमें ध्यान रखना है. इससे भी छोटी की चीजें की बात करें तो इससे भी छोटी चीजें होती है फोटोन, ठीक है. ये सब चीजें ध्यान रखना है. अब देखिए यहाँ पे पहले ही अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन में, व्हाट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग. चैप्टर का नाम देखो, मैटर है ना, तो मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है. अपने आसपास, अपने सारे आसपास जितने भी पार्टिकल्स दिख रहे हैं, जितने भी मैटर दिख रहे हैं, सब पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं, ठीक है. तो देखो पहले ही इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल व्हिच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर. हर चीज हमारा मटेरियल से मिलकर बना, ठीक है. हम सॉलिड मटेरियल, लिक्विड मटेरियल, गैस मटेरियल, और ये जो मटेरियल्स है ये किससे मिले हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने, ठीक है. मतलब एटम से मिलकर बने, मॉलिक्यूल से मिलकर बने, क्लियर है. जो मैटर है वो हमारा किससे मिलकर बना है, पार्टिकल्स, ओके. और इंडियन फिलोसफी में हम कहते हैं पंच तत्व, हमारा जो मैटर है वो पंच तत्व से बना है. जैसे हम बोलते हैं हमारी बॉडी पंच तत्व से मिली है, जैसे एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. ये पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है. तो इंडियन फिलोसफी में हमारा जो मैटर है वो पांच एलिमेंट से मिलकर बनता है. कौन कौन सा, देखिए यहाँ पे एयर हो गया, अर्थ हो गया, फायर हो गया, स्काई हो गया एंड वाटर, क्लियर है. क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है यहीं पे, एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, नोट कर लीजिए. इन हाउ मेनी फॉर्म डिड द अर्लियर इंडियन फिलोसोफर्स क्लासिफाई मैटर्स, मैटर्स को कितने फॉर्म में बताए हैं हमारे पुराने इंडियन फिलोसोफर्स. ऑप्शन 2, 6, 7, 5. ऑप्शन 5 सही आंसर है, ठीक है. अब देखते हैं, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. यस, मैटर हमारा पार्टिकल्स से मिलकर बना है, और जिसको हम एटम्स भी कहते हैं, छोटा एटम्स हो गया, ठीक है, ठीक है. सो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर इसके बारे में जानना है तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं. इफ यू ब्रेक अ वाटर मॉलिक्यूल्स, वी सी इट मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट कॉल्ड एटम, ठीक है. देखिए जैसा ये हमारा वाटर का मॉलिक्यूल है, इतना बड़ा मॉलिक्यूल है वाटर का, इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है. इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाएगा. इसको भी ब्रेक करेंगे, ये भी दो में हो जाएगा, ये भी दो में हो जाएगा. इसको भी ब्रेक करेंगे, ये भी दो में, ये भी दो में, ये भी ऐसे ऐसे, है ना. ये क्या होता जा रहा है, मॉलिक्यूल्स था, फिर एटम हो गया, फिर और छोटा हो गया, पार्टिकल हो गए, फिर फोटोन्स हो गया, ऐसे छोटे छोटे होते जाएंगे, है ना. तो यही सब हमारा यहाँ पे हम जानने वाले हैं,
अब देखिए जैसे ये एक्सपेरिमेंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखिए। अगर इस एक्सपेरिमेंट को अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, 100 ml हमने पानी लिया, एक बीकर लिया 100 ml का, उसमें पानी रखा, ठीक है। हमने उसमें अलग से पोटेशियम, कोई भी कलर, सिर्फ पोटेशियम बाइकार्बोनेट नहीं, यहाँ पे कोई भी कलर ले लीजिए। मान लो मैंने पिंक कलर जैसा दिख रहा है, पिंक कलर लिया, एक चम्मच एक स्पून पिंक कलर लिया और हमने उसको डाला 100 ml जार में, इस जार में डाला। तो जब डाला तो देखा कि भाई वो एकदम डार्क कलर का हो गया, ठीक है, क्योंकि जो पार्टिकल्स है, जो मैटर्स है, तो हर मैटर के बीच में स्पेस होता है, ठीक है, इसको ऐसे समझे, ठीक है। देखिए ये एक मैटर है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये ऐसे ऐसे है ना, लिक्विड है ना, इनके बीच में स्पेस होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो अब मैंने जो पिंक कलर डाला इसमें, पिंक कलर जो डाला वो इनके बीच में जाकर सेट हो जाता है और ये पूरा स्प्रेड हो जाता है, हर जगह मूव भी करता है, इस तरीके से ऊपर से स्टार्ट होता है और पूरे नीचे तक चला जाता है, जितनी स्पेस है ना सारे स्पेस में वो स्प्रेड हो जाता है। इसलिए अब देखो व्हाइट कलर ज्यादा दिख रहा है आपको कि रेड कलर ज्यादा दिख रहा है ना, देखो क्या दिख रहा है आपको, देखो रेड कलर कितना ज्यादा दिख रहा है। तो जो हमने कलर डाला पिंक कलर का, वो पहले वाले जो जार में है पूरा का पूरा डार्क हो गया। अब मैं क्या करूंगा, उसी जार में से 10 ml हमने वो लिक्विड को निकाला और दूसरे जार में डाला, ठीक है, दूसरे जार में डाला। तो क्या होगा, अब जो हमने स्पून में जो हमने निकाला है, सॉरी स्पून के ट्यूब में, इसमें क्या है, हमारे ये जो पार्टिकल्स हैं, रेड पार्टिकल्स और जो हमारे व्हाइट पार्टिकल्स, ये दोनों हैं, ठीक है। अब जब आप इसको दोबारा दूसरे 100 ml वाले में डालोगे, तो क्या होगा, अब ये जो मैटर है, जो आपने रेड कलर का मैटर डाला है, वो फिर से ब्रेक होगा, क्योंकि उसको भाई पूरा ऑक्युपाई करना है स्पेस, वो फिर ब्रेक होगा। तो बताओ, ये बताओ, इस एटम की एनर्जी ज्यादा होगी कि इस एटम की एनर्जी ज्यादा होगी, जाहिर सी बात, जो जितना बड़ा एनर्जी है ना केमिस्ट्री में। तो देखो अब ये टूट कर इतना हो गया, अब फिर से हम उसको उसमें 100 ml से निकाले और दूसरे में डाले, टूट कर और छोटा हो गया, ऐसे ब्रेक होकर हमारा पूरा अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। जो हमने मैटर डाला है, पिंक मैटर डाला है, वो अपने आप जितनी बार आप निकाल कर चेंज कर रहे हो ना, उतनी बार अपने आप को ब्रेक कर लिया। इसलिए ये कलर देखो, पहले डार्क था, फिर और लाइट हो गया, इस तरीके से लाइट होगा। इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि मैटर के बीच में स्पेस है, उस स्पेस में कुछ और पार्टिकल्स हम डालते हैं तो वो पार्टिकल क्या करता है, उस स्पेस को जाके कवर कर लेता है ना। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में वही देखने वाले हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्पेस बिटवीन है, अभी हमने देखा, कभी तो वो हर स्पेस में जाकर इकट्ठा हो गया, अदरवाइज पानी और ऑयल का एग्जांपल, ऑयल क्या होता है, पानी के ऊपर तैरता है ना, वो क्यों नहीं मिल पाता है, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी वैसे भी ज्यादा होती है वाटर से, इसलिए ऊपर रहता है, वो इसलिए नहीं मिल पाता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो इंटरनल एनर्जी, जो बॉन्डिंग एनर्जी है, उसको वो ब्रेक नहीं कर पाता है ना। जैसे ये हाइड्रोजन है ना, ये वाटर, दो इनके बीच की जो बॉन्डिंग है, इस बॉन्डिंग को ब्रेक करोगे तभी तो बीच में आ पाओगे ना, जो ऑयल हम डालते हैं वो इसकी बॉन्डिंग को ब्रेक नहीं कर पाता, इसीलिए बीकर में पानी हमेशा नीचे इस तरह रहेगा, उसके ऊपर हमारा ऑयल अलग दिखता है, क्लियर है, क्योंकि वो मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि मैटर के बीच में स्पेस नहीं, मैटर के बीच में स्पेस है, बट क्यों, क्योंकि उसकी एनर्जी, बॉन्डिंग एनर्जी ऑयल नहीं तोड़ पा रहा है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे देखिए, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट इज दे प्रोसेस द काइनेटिक एनर्जी। देखो पार्टिकल्स के अंदर क्या, हमें कोई भी पार्टिकल आप पूरे कहीं भी आप देख लो, किसी भी पार्टिकल को देखोगे ना, वो कभी भी स्टेबल नहीं रहता, वो हमेशा वाइब्रेट होता रहता है, मूव करता रहता है, वन प्लेस से अदर प्लेस मूव करता रहता है ना। एग्जाम्पल एलपीजी ले लो, मान लो आप कमरे के उस कोने में खड़े हो, वहां पे एलपीजी अगर लीक होता है तो आपको यहाँ तक कैसे महकता है, क्योंकि पार्टिकल जो एलपीजी का गैसेस निकला है वो मूव करते करते पूरे एटमोस्फेयर में आ गया। इससे क्या समझ में आता है कि पार्टिकल्स जो मैटर होते हैं वो मूव भी करते हैं, ठीक है, उनके बीच में स्पेस भी होता है, वो मूव भी करते हैं, ठीक है, और दो पार्टिकल के बीच में एक इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन भी रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। अब इसी में डिफ्यूजन, क्या होता है, देखो हमने अभी पिंक पार्टिकल डाला था,
देखो ये पिंक पार्टिकल हमने पानी में डाला था, क्या हो गया, पूरे में डिफ्यूज हो गया। तो डिफ्यूजन का डेफिनेशन देखिए यहाँ पे, मिक्स तो होगा साथ साथ, क्या होगा, स्प्रेड नहीं होगा। डिफ्यूजन का मतलब सिर्फ मिक्सिंग नहीं होता, स्प्रेड भी होना, मतलब स्प्रेड होना जैसे कि ये देखिए जैसे ही मैंने बीकर में डाला, तो अगर वो सिर्फ मिक्स वाटर के साथ मिक्स हुआ तो मान लो ये रेंजर यहीं तक मिक्स हुआ, वो नीचे स्प्रेड पूरे, हमें क्या चाहिए, मैटर पूरे में स्प्रेड हो जाए, हर जगह फैल जाए, पूरे कमरे में फैल जाए, स्प्रेड होना जरूरी है। तो पूरे में फैलने के लिए दैट डिफ्यूज, अगर ये चीज क्या है, ये चीज जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन का डेफिनेशन क्या दोगे कि मिक्स होना और साथ में साथ स्प्रेड भी होना, दैट कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे डेफिनेशन का, द मिक्सिंग एंड स्प्रेडिंग आउट ऑफ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू मूवमेंट और मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन इन गैसेस, डिफ्यूजन गैस का डिफ्यूजन होना, एग्जांपल एलपीजी अगर रूम में डिफ्यूज हो गया, पूरे रूम में महकने लगता है। डिफ्यूजन इन लिक्विड, जो भी हमने बीकर में देखा कि वाल पानी में हमने रेड कलर डाला तो पूरे डिफ्यूज हो गया। डिफ्यूजन इन सॉलिड, बहुत सारे। अगर डिफ्यूजन रेट की बात किया जाए, डिफ्यूजन रेट की बात करें, सबसे ज्यादा गैस डिफ्यूज होता है, उसके बाद लिक्विड, ठीक है, उसके बाद सॉलिड। सबसे कम डिफ्यूजन होता है सॉलिड के बीच, ठीक है, क्योंकि सॉलिड के बीच में पार्टिकल जो है बहुत क्लोज होते हैं, क्लियर है, इसलिए जल्दी उनके बीच में कोई मॉलिक्यूल जा नहीं पाता है। ठीक है, तो वो डिफ्यूज कम हो पाता है। कोई भी चीजें सॉलिड, जैसे आप आयरन ले लो, आयरन के ऊपर कोई लिक्विड डालोगे तो क्या वो पूरा घुस जाएगा, पूरा डिफ्यूज हो जाएगा, नहीं होगा ना, वो ऊपर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आयरन के बीच में जो मॉलिक्यूल्स की जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है, उनके बीच में वो जा नहीं पा रहा है, उनके बॉन्ड को तोड़ नहीं पा रहा है। ठीक है, बहुत जरूर डिफ्यूजन होता है, इसीलिए अगर कोई पूछे कि डिफ्यूजन सबसे ज्यादा किसमें होता है तो क्या बोलोगे, गैस में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद सॉलिड में। ठीक है, बाकी गाइस जो नोट्स हैं, जो इस नोट से पढ़ा रहा हूँ, आपको ये डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके फोटो कॉपी निकलवा के फिर ये सब चीजें पढ़नी है, अदरवाइज आपको बहुत चीजें नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। देखिए आगे स्टेट्स ऑफ एक क्वेश्चन है यहाँ पे, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे बता दिया कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, तभी तो वो चिपके होते हैं आपस में, है ना, और फोर्स नहीं हुआ तो अलग अलग नहीं चले जाएंगे, अलग अलग चले जाएंगे तो हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, हाइड्रोजन को देख पाते हो नहीं ना, ऑक्सीजन को देख पाते हो नहीं ना, तो वो दोनों जुड़ते हैं, उनके बीच में एनर्जी रहती है, उसी को बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तब तो हमको चीजें दिखती हैं, है ना, यही है हमारा। What happened to the sugar when it dissolving water? Where does the sugar go? कहाँ चला जाता है sugar? जो particle है sugar के, water के जितने भी water molecules हैं, उनके बीच में जो space है, वहाँ पे जाके settle हो जाता है। ठीक है? So guys, अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे states of matter. Generally तीन type के states of matter. Matter तीन type में होते हैं. Solid, liquid, gas. But एक और अभी नया चल रहा है, that is called plasma. ठीक है? प्लाज्मा देखो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो क्या होता है, आयोनिक स्टेट, आयोनिक आयोनाइज्ड जो गैसेस होते हैं ना, उनकी जो स्पीड होती है, उनकी जो मैटर, वो उनकी जो स्टेट्स होती हैं, उनको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा स्टेट इज अ फ्यूज एंड आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर दैट इज प्रेजेंट एट वेरी हाई टेम्परेचर। बहुत ज्यादा टेम्परेचर जहाँ होता है वहां ये सब चीजें मिलती है। ठीक है, तो सॉलिड क्या होता है, सॉलिड है डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम, ये सब चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले सॉलिड लिक्विड गैस का कॉमन बनाइए। ठीक है, और सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हुआ, देखो आप कोई भी सॉलिड को जिस भी आप चेंबर में डालोगे, ठीक है, जैसे ये कौन सा शेप है, सिलेंड्रिकल। ठीक है, ये कौन सा शेप है, सर्कुलर। क्लियर है, ये सिर्फ, अब कोई भी सॉलिड को अगर आप यहाँ पे डालोगे, कोई भी सॉलिड या फिर क्ले, इन तीनों शेप में डालोगे, इन क्ले इस शेप में डालो, चाहे इस शेप में डालो, चाहे इस शेप में डालो, और जब उसको आप निकालोगे वो उसी शेप में आपको मिलेगा, है ना, उसी शेप में आपको मिलेगा। मतलब क्या है, उसके पास एक डेफिनाइट सेफ है। ठीक है, और डेफिनाइट वॉल्यूम की बात करते हैं, डेफिनाइट वॉल्यूम मतलब हमने सॉलिड को डाला, ठीक है, सॉलिड को डाला, सॉलिड हमारे जितने भी यहाँ पे वॉल्यूम है, इस
खाली डब्बे में जितने भी यहाँ पे स्पेस है, जितने भी वॉल्यूम है, हर जगह ऑक्यूपाई हो गया, और हर जगह अगर ये ऑक्यूपाई हो जा रहा है तो क्या कहेंगे, इस सॉलिड हैव अ डेफिनाइट वॉल्यूम, ठीक है। वैसे ही आगे देखा जाए, लिक्विड की बात किया जाए तो लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो डेफिनाइट शेप, लिक्विड का कोई शेप नहीं होता। आप जिस डब्बे में डालोगे ना वो उसी शेप में रहेगा, और जैसे उस डब्बे से आप निकालोगे उसको वो क्या होगा, बिखर जाएगा, ठीक है। तो लिक्विड के पास खुद की कोई शेप नहीं होती, लेकिन हाँ वो जहां पे डालोगे, जितना भी कॉम्प्लिकेटेड स्पेस में आप डालोगे ना, वो पूरा का पूरा जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा, पूरे पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगा, है ना लिक्विड। इसलिए कहते हैं लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो डेफिनाइट शेप। आगे बात किया जाए गैसेस, गैसेस हैव नो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप। गैसेस भाई आप इसको गैसेस को किसी शेप में रख पाओगे क्या, नहीं ना, वो तो भाग कर रहेगा इधर उधर, ठीक है। ये जो तीनों है सॉलिड लिक्विड और गैस का आपको जानना बहुत जरूरी है। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट है सॉलिड हैव हाई डेंसिटी। जाहिर सी बात है डेंसिटी का फॉर्मूला देखिए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। इसको इसको बोलते हैं रो, ये जो साइन है इस साइन को बोलते हैं हम लोग रो, आर एच को रो। जैसे मास को एन से लिखते हैं, वॉल्यूम को वी से लिखते हैं, वैसे ही डेंसिटी को रो से लिखते हैं। तो देखो कि यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, और डेंसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, यही ना, वन अपॉन वी। तो इससे क्या समझ में आता है, अगर किसी बॉडी का मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगा। तो बताइए सॉलिड का मास ज्यादा होता है, ज्यादा मास अगर ज्यादा है तो डेंसिटी भी ज्यादा होगा। तो अपन कह सकते हैं डेंसिटी के केस में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका होता है, सॉलिड का, उसके बाद लिक्विड का, उसके बाद गैस का, ठीक है। आगे देखिए हीटिंग, सॉलिड शो ओनली स्लाइट एक्सपेंशन ऑन हीटिंग। अब आप हीट दोगे सॉलिड ऑब्जेक्ट को, जब हीट दोगे तो आप देखोगे क्योंकि बहुत एक्सपेंशन होना मतलब पिघलना, मेल्ट होना, बहुत स्लोली स्लोली मेल्ट होना, ठीक है, बहुत स्लोली स्लोली सॉलिड हमारा मेल्ट होता है मतलब एक्सपेंड होता है। लिक्विड थोड़ी तेजी से मेल्ट होता है, और गैसेस वो तो तुरंत एक्सपेंड हो जाएगा, जहां डालोगे वो तुरंत पूरे रूप में एक्सपेंड हो जाएगा हीट करने में, ठीक है। तो अपन अगर एक्सपेंशन की बात किया जाए या हीटिंग की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा इजिली हीट कौन सा हो जाता है, गैस सबसे जल्दी हीट हो जाता है, फिर लिक्विड, और फिर सॉलिड सबसे कम टाइम लग ज्यादा टाइम लगता है सॉलिड को, इसलिए सॉलिड सबसे पीछे होता है। सॉलिड को हीट होने में बहुत ज्यादा लगता है, क्यों हीट होने में ज्यादा टाइम लगता है सॉलिड को, सॉलिड सब्सटेंस को, इसलिए क्योंकि उनके बीच के जो मॉलिक्यूल्स है बहुत क्लोज है ना, सॉलिड सब्सटेंस के बीच के मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज है, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो उनको ब्रेक करना, उसको ब्रेक करने के लिए हमें बहुत सारा अमाउंट ऑफ हीट चाहिए तभी हम ब्रेक कर पाएंगे, इसलिए सॉलिड को बहुत टाइम लगता है मेल्ट होने में, ठीक है। आगे देखिए थर्ड पॉइंट, सॉलिड्स, थर्ड पॉइंट तो हो ही गया हमारा, they have slight or no compressibility, ठीक है। सॉलिड को जनरली बोला जा रहा है कि बहुत कम कॉम्प्रेस मतलब दबाना कॉम्प्रेस होता है, बहुत कम कॉम्प्रेस होता है, ठीक है। लिक्विड हैव स्लाइट कॉम्प्रेसिबिलिटी बट मोर देन सॉलिड, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और आप देख सकते हो, क्या दिख रहा है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे अगर मैक्रो साइंस, दो साइंस दो टाइप का होता है, एक होता है मैक्रो साइंस, एक होता है माइक्रो साइंस, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ से, ठीक है। साइंस दो टाइप का होता है, एक होता है मैक्रो MACRO, एक होता है हमारा माइक्रो साइंस। माइक्रो माइक्रो साइंस में हम चीजों को मॉलिक्यूल्स लेवल पे, चीजों को मॉलिक्यूल्स लेवल पे जाकर पढ़ाई करते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, और मैक्रो लेवल पे हम बड़े लेवल पे स्टडी करते हैं, ठीक है। बड़े लेवल जो चीजें हमें दिखती है आंखों से, जो चीजें हम महसूस कर पाते हैं, हम मॉलिक्यूल्स को तो महसूस नहीं कर पाएंगे ना, ओके। तो अगर मैक्रो लेवल पे बात किया जाए तो कॉम्प्रेसिबिलिटी की बात करें, सबसे ज्यादा कॉम्प्रेस कौन होता है, गैस। गैस के बाद कौन सबसे कम कॉम्प्रेस होगा, गैस के बाद सबसे ज्यादा कॉम्प्रेस होगा गैस, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्रेस होगा लिक्विड, उसके बाद होगा कॉम्प्रेस सॉलिड, ठीक है। बट अगर हम माइक्रो लेवल पे बात करें, माइक्रो लेवल पे कॉम्प्रेसिबिलिटी की बात किया जाए, मॉलिक्यूल्स लेवल की बात किया जाए, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉम्प्रेस गैस होगा, उसके बाद हमारा यहाँ पे सॉलिड एंड देन लिक्विड, ठीक है। ओके सॉरी, यहाँ पे जो ये जो चीजें बताई मैंने, ये हो जाएगा हमारा मैक्रो, क्योंकि हमें दिखता है ना कि भाई सॉलिड थोड़ा कॉम्प्रेस हो रहा है, लिक्विड हमारा कॉम्प्रेस नहीं हो रहा। बट अगर हम माइक्रो लेवल पे बात करें, मॉलिक्यूल्स लेवल पे जाकर अगर हम बात करेंगे तो हम देखेंगे ऐसा नहीं होता है,
they are grouped to the liquid long compressed with the solid compared micro level pe kyunki aap agar syringe mein pani leke dawa ki koshish karo nahi rahe isliye liquid ko liquid ko hum log kya bolte hain incompressible ठीक है ये जो आप लोग नाइन्थ के अकॉर्डिंग ये चीज सही है बट ये आप ध्यान रखना माइक्रो में ऐसा होता है माइक्रो में ऐसा होता है क्लियर है गाइस आगे बात करते हैं आगे हैं सॉलिड डू नॉट फ्लो गाइस ऐसी बात है सॉलिड कहाँ फ्लो होता है हमारा सॉलिड तो ठोस होता है ना हार्ड होता है वो तो फ्लो करता नहीं लिक्विड जनरली फ्लो लिक्विड थोड़ा बहुत फ्लो करता है थोड़ा क्या फ्लो तो करता ही है हमेशा और गैस पूरे फ्री फ्लो करता है यहाँ पे गैस निकालो फ्लो करो फ्लो होता जाएगा ओके और आगे देखते हैं दे हैव देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एट अबव रूम टेंपरेचर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हम उसको आगे समझेंगे फिलहाल अपनी डेफिनेशन आप याद कर लीजिए कि सॉलिड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है रूम टेम्परेचर से ऊपर होता है रूम टेम्परेचर कितना हम बोलते हैं 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास तो सॉलिड 26 डिग्री में कैसा होता है सॉलिड सॉलिड जैसा ही होता है अभी रूम में हमारा ये मोबाइल कैसा सॉलिड है ना मोबाइल रूम टेम्परेचर में कितना है सॉलिड है सॉलिड ही है अगर इसको मुझे मेल्ट करना है तो मैं हीट करूंगा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा कितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा उसके बाद जाकर ये पिघल जाएगा मेल्ट होगा तो सॉलिड की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है लिक्विड ऑलरेडी मेल्ट है लिक्विड तो ऑलरेडी मेल्ट है लिक्विड दे हैव देयर मेल्टिंग पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर ठीक है और दे हैव देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ बिलो रूम टेम्परेचर गैसेस में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ठीक है सेवन है इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत क्लोज होते हैं तभी तो वो कोई चीज हमें ये क्लोज तो दिख रहा है कोई चीज ठोस तो दिख रहा है क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल से बहुत पास है अपने आप को वो अट्रैक्ट करके रखे ठीक है उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा है ठीक है इसलिए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन अ सॉलिड और लिक्विड में थोड़ा सा कम और गैसेस में तो वो गैसेस में तो इंटरमोलिक्युलर फोर्सेस बहुत कम हो जाते हैं अभी तो एक गैस का मॉलिक्यूल वहां होता है एक वहां होता है इसका एक फिगर बना के आपको दिखाते हैं ठीक है इसका फिगर देखिए मैं यहां बनाता हूं ये देखिए ये हो गया हमारा सॉलिड के मॉलिक्यूल्स किस तरीके से होते हैं ओके लिक्विड के मॉलिक्यूल्स किस तरीके से होते हैं और गैस के मॉलिक्यूल हमारे एक यहाँ तो एक यहाँ ऐसे दूर दूर रहेंगे सॉलिड लिक्विड गैस तो इनके बीच में ये क्यों इतने क्लोज है इसलिए क्लोज है क्योंकि इनके बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वो बहुत ज्यादा है इसमें थोड़ा सा कम है इसमें और क्लियर अब देखिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिया है गिव टू रीजन फॉर सेइंग दैट वुड इज सॉलिड वुड क्यों सॉलिड है क्योंकि वुड कोई भी वुड के पास खुद की शेप है हैज अ डिफाइंड वॉल्यूम हैज अ डिफाइंड शेप ठीक है आप कह सकते हो अ सब्सटेंस हैज अ डिफाइंड वॉल्यूम बट नॉट डिफाइंड शेप ये क्वेश्चन काफी अच्छा है अभी मैंने आपको सारी चीजें पढ़ाई ये सारे चीज पढ़ने के बाद गाइस आई थिंक ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान है आप इजीली कर सकते हो अगर दिक्कत आता है आप कमेंट करो अदरवाइज हमारे टीचर में आके आप पूछ सकते हो ठीक है गाइस मैसेज करोगे तो भी मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगा बट ये क्वेश्चन वीडियो के देखने के बाद आपको करने हैं सारे क्वेश्चन को नोट करना है ओके तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक्स को बात करेंगे और चैप्टर को खत्म करेंगे ठीक है